बड़वाह विधायक सचिन बिरला ने सनावत जनप्रतिनिधियों के साथ 1,64,00,000 की लागत से निर्मित नवीन तहसील भवन का शुभारंभ किया। साथ ही विधायक ने कहा कि सनावत नगर में SDM कार्यालय की मांग शासन के समक्ष रखी गई है, जो कि जल्द ही स्वीकृत होगी। विधायक ने कहा कि नव निर्मित सर्व सुविधा संपन्न तहसील भवन की जरूरत पिछले कई वर्षों से महसूस की जा रही थी। नया तहसील भवन समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए सुविधाजनक होगा। साथ ही में आपको बता दें कि नए तहसील भवन में विभिन्न सरकारी कार्यों के लिए अलग अलग कक्ष हैं। नए तहसील भवन में रजिस्ट्री कार्यालय को भी जल्द ही स्थानांतरित किया जाएगा। नए भवन में अधिकारियों, कर्मचारियों व नागरिकों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। पार्किंग के लिए भी विस्तृत स्थान है और निश्चित ही नया तहसील भवन नगर और आसपास के ग्रामों की आवश्यकताओं पर खरा उतरेगा। साथ ही में वहीं समारोह में पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी, ज्योति येवतीकर ने संबोधित किया। साथ ही में इस दौरान SDM अनुकूल जैन, भाजपा नेता कमल बिलरा और साथ ही में नरहरी दांगी आदि उपस्थित रहे। नव निर्मित तहसील भवन का लोकार्पण का अवसर था। हम सब लोग आज यहाँ पर लोकार्पण के लिए आए थे और पुराना जो लोग हमारा तहसील कार्यालय था वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं थी। सभी कर्मचारियों के लिए अलग अलग रूम, सभी के लिए सारी व्यवस्थाएं, रजिस्ट्रार का ऑफिस भी इधर, बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। पार्किंग की खूब सारी व्यवस्था है और सारे काम एक छत के नीचे तहसील के होंगे, इसके लिए भवन आज यहाँ पर लोकार्पित किया है। और सभी लोग, हम सब लोगों से उम्मीद भी करते हैं अधिकारियों से कि बड़ी निष्पक्षता से और नामांतरण बंटवारे के जितने भी प्रकरण हैं शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करेंगे, ऐसे भाव हम लोग। 1,18,00,000 की लागत से भवन बना है। यहाँ पे अनुभागीय अधिकारियों के लिए ऑफिस की तैयारी चल रही है। हाँ, SDM साहब भी यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर SDM साहब बढ़वा बैठते हैं। अगर हम अंतिम छोर समझें, हमारा नगावा गाँव है और बढ़वा की दूरी समझे तो 40 किलोमीटर के करीबन है, 40-45 किलोमीटर, बहुत दूर आना जाना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी मुख्यमंत्री जी से मांग भी की है कि अनुभागीय अनुभाग यहाँ पर स्थापित किया जाए और SDM साहब यहाँ बैठे और सारे प्रकरण यहाँ निपटाए। खर मध्य प्रदेश के लिए बड़वाहा से वाजिद खान की रिपोर्ट।